वेलकम टू द बायोग्राफी अड्डा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टैलेंटेड एक्टर सर्वदमन डी बनर्जी की बायोग्राफी। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सर्वदमन बनर्जी का जन्म 14 मार्च 1965 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उनकी शादी सुनीता से हुई थी जो एक डॉक्टर थी, लेकिन 14 साल बाद वे अलग हो गए। उनकी दो बड़ी बहनें हैं जिनका नाम नवनीता और रूपाली बनर्जी है। सर्वदमन की एक बेटी है जिसका नाम अलीका शाह है। अलीका एक डॉक्टर है और उन्होंने जे चेतस शाह से शादी की है। सर्वदमन ने अपनी स्कूलिंग सेंट अलोसियस स्कूल कानपुर से पूरी की और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सर्वदमन डी बनर्जी एक इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने रामानंद सागर के पॉपुलर टेलीविजन शो कृष्ण में कृष्ण की भूमिका निभाई थी। उन्होंने हिंदी, बंगाली और तमिल सिनेमा में भी काम किया है। उनका जन्म एक संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बचपन से ही आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे। उन्होंने जीवी अय्यर द्वारा डायरेक्टेड संस्कृत भाषा की फिल्म आदि शंकराचार्य से अपने एक्टिंग की शुरुआत की। इस फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। 1985 में फिल्म श्री दत्त दर्शनम के साथ अपना तेलुगु डेब्यू करने के बाद उन्होंने कुछ और तेलुगु फिल्मों में काम किया जिनमें फिल्म सिरिवनेला और स्वयं कृषि शामिल है। रामानंद सागर के शो में कृष्ण की भूमिका निभाने के बाद सर्वदमन डी बनर्जी एक पॉपुलर सेलिब्रिटी बन गए। कृष्ण करने के बाद बनर्जी ने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की, यहाँ तक कि लोग उन्हें भगवान श्री कृष्ण समझकर उनके पैर छूने लगे थे। बाद में 1995 में वह अर्जुन में दिखाई दिए और फिर 2001 में वह जय गंगा मैया में दिखाई दिए जहाँ उन्होंने विष्णु की भूमिका निभाई। उनका लास्ट टीवी सीरियल था ओम नमः शिवाय। 1998 में बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद में स्वामी विवेकानंद के रूप में मिथुन चक्रवर्ती, शशि कपूर, देवश्री राय और राखी जैसे स्टार्स के साथ काम किया है। वह आखिरी बार MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में चंचल भट्टाचार्य के रोल में दिखाई दिए जो कि क्रिकेटर MS धोनी के शुरुआती कोचों में से एक थे। कई फिल्मों और टीवी शो में एक्टिंग करने के बाद वह उत्तराखंड के ऋषिकेश चले गए। वहां वह अपना स्वयं का मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं जहां भारत के साथ साथ भारत के बाहर के भी लोग मेडिटेशन और योगा सीखते हैं। वह अलंकृता बनर्जी द्वारा एस्टेब्लिश्ड पंख नामक एक NGO का भी सपोर्ट करते हैं जहाँ वे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड रीजन की लेडीज को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, ये थी एक्टर सर्वदमन डी बनर्जी की बायोग्राफी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।